आजाद नाजरीन, जीके न्यूज पॉइंट में आपका खैरत हूँ। मैं आपका मेजबान पीएम मुजफ्फर, मेरे साथ है मेरे वीडियो जस्ट तारिक। मैं नाजरीन मोहतरा, आप चूंकि जानते हैं आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है और मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल पूरे मुल्क के साथ साथ अगर हम यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां पर भी कोरोना वायरस ने दस्तक दिया और जो तीसरी लहर है, तीसरी वेव बिल्कुल यहां पे वो इस वक्त नजर आ रही है। इसी पस मंजर में यूटी सरकार ने भी एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत यहां पे वीकेंड लॉकडाउन उसका इतला किया गया है और वाजह रहे ये लॉकडाउन शनिचर और इतवार को होगा। बिल्कुल आज दूसरा दिन है। अगर मैं अच्छा बल्कि आपको यहां पर तस्वीर दिखाऊं, यहां पर बैरिकेड खड़े किए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के जो डिप्लॉयमेंट है वो भी लगा गई है और बिल्कुल आप दूर दूर देख रहे हैं कि जो ये रोड है, ये शहरा, ये अनंतनाग की ओर जा रही है, लेकिन इस पर इस वक्त पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। गर शिकायत यह है कि जो इसकी ये चेन है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसी पस मंजर में जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मजबूर हो गए ये यहां पे वीकेंड लॉकडाउन करने के लिए। बिल्कुल यहां पे फिर से मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, जो मेरा कैमरा फोटो आपको दिखाए, ये मेन चौक अचाबल है जहां पे हम इस वक्त खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं रूबरू। आप देख रहे हैं बिल्कुल जो मेन चौक अचाबल, ये तिजारती मरकज माना जा रहा है, ये बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हब माना जा रहा है, लेकिन आज बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। यही मुद्दा मकसद है कि लोगों से तलकीन की जा रही है कि वो अपने घरों में बैठे और जो ये कोरोना तीसरी लहर इस वक्त यहां पर जारी है इसके रोकथाम के लिए लोगों का भी ताउन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से। और आपको मैं बिल्कुल बता दूं, अगर हम इस वक्त आपके सामने 24 आवर्स का जो फिगर है हमारे पास है, उसके मुताबिक जो केसेस थे वो थे 3251 यानी 3251 और इसमें से 2122 केसेस कश्मीर प्रोविंस से, और अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें बिल्कुल वो 12,860 के करीब है इस वक्त। और इसलिए लोगों को भी एहतियात करने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है और साथ ही जो एसओपीज दिए गए हैं और जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनको फॉलो करने की इस वक्त अशद जरूरत है, जिसमें मास्क का भरपूर इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका भी पूरा ख्याल रखा जाए। और साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर जो एसओपी दिए, इसमें अगर मैं बता दूं बिल्कुल घरों से फुजूल हमें नहीं निकलना चाहिए, तभी हम निकल सकते जब कोई मजबूरी हो। और आपको पता है हम इसलिए मजबूर है कि हम भी आपके लिए निकल रहे हैं, क्योंकि मजबूरी का ये आलम है कि जो इस वक्त ये मैसेज है ये एक सबूत के पास पहुंचे कि कहते हैं कि जान बचे लाखों पाए। इसलिए हमारी अपील है इस प्रोग्राम की वसात से कि जितने भी हमारे नाजरीन मोहतरम ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको हमारी मुजमन अपील है कि जितना हो सके अपनी कोऑपरेशन दीजिए और जो ये इस वक्त ये मुहलिक बीमारी है जिसने यहां पर फिर दस्तक दी है इसको हराने में अपना रोल अदा करिए। वीडियो जस्ट तारिक मेरे के साथ पीएम मुजफ्फर, जेके न्यूज पॉइंट अचाबल अनंतनाग।